नमस्ते दोस्तों, और ये वीडियो है टीन एज के बारे में। गाइस, मैं मानता हूँ कि टीन एज आपकी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर करते हैं। और आप लोगों के लिए हम लाए हैं टीन एज टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में टीन एज में। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो गाइस, पहली टिप है, आपको खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। गाइस, अगर आप खुद को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले का जो आपका परसेप्शन है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। गाइस, मैं भी मानता हूं फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन गाइस, क्योंकि वहां से जो एक इमेज बन जाती है उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो गाइज, हमने फैशन वीडियो बनाई है और अट्रैक्टिव दिखने के लिए वीडियो बनाई है, तो आप उन्हें जाके देखें अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा करने के लिए। गाइज, दूसरी टिप है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आपका अगर टीनेज में सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा अच्छा होगा तो आपके दोस्त बहुत बनेंगे और वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। तो गाइज, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर सुधारने के लिए आपको हर जगह जाके जोक नहीं मारने हैं, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है ऐसी बातें करो जिससे पीपल कनेक्ट कर सके, मतलब जो लोगों को लगे कि हाँ हमारे साथ हुआ है। आपको इसके लिए अपनी ऑब्जर्वेशन सही करनी पड़ेगी, और अगर आप ये करेंगे आपके दोस्त बहुत होंगे और पीपल आपके साथ रहना चाहेंगे। तो गाइज, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर सुधारें, और गाइज सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए दूसरों का मजाक ना उड़ाएं। अगर मजाक उड़ाना ही है तो कभी कभी खुद का कर लो, पर गाइज दूसरों का मजाक ना उड़ाएं जिससे कि उनको बुरा लगे, वो आपको और मतलब खराब सिचुएशन में डाल देगा। अगली टिप है कॉन्स्टेंट लर्निंग। आप अपनी टीनेज में है तो आप अपनी जितनी नॉलेज एक्सपैंड कर पाए करें। मैं सिर्फ स्कूल की नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में जो हम पढ़ते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, पर उसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। आपको नॉन फिक्शनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़नी चाहिए, या फिर पॉडकास्ट देखें, या फिर इंटरव्यूज देखे लोगों के, सक्सेसफुल लोगों के। और गाइस, आपको जो बुक्स मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और द सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच। ये तीनों बुक्स आपका नॉलेज को एक्सपैंड करेंगी। तो गाइस, टीनेज में इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। या तो फिर अगर आपको ना बुक्स पढ़ना पसंद है ना आपने पॉडकास्ट सुनने हैं, तो आप लोगों से जाके बात करें जो आपसे बड़े हैं एज में, वो भी आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस देगा। मेरी चौथी टिप जो है वो है कि आपको पढ़ाई के अलावा भी कोई चीज अपनी लाइफ में उठानी चाहिए। तो गाइस, ये कोई पैशन हो सकता है, ये या फिर कोई स्पोर्ट हो सकता है। गाइस, जैसे मैंने ली है वीडियो क्रिएटिंग, आप ले सकते हैं फुटबॉल क्रिकेट, या फिर आप ले सकते हैं राइटिंग। तो गाइज, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइज, आपको करना है कुछ और जो पढ़ाई से हटके हो, क्योंकि गाइज ये आपके लाइफ में आगे स्किल्स डेवलप करेंगे, ये आपको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से एक्सपोजर देंगे। तो गाइज, आप आगे देखिए, और गाइज वही टिप उठाइए, वही पैशन उठाइए जो आपको पसंद हो, जबरदस्ती ना करें। तो गाइज, अब आपके लिए अगली टिप है बैलेंसिंग इट आउट। तो गाइज, आपको सब कुछ बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि गाइज टीनेज में बहुत सारी चीजें चल रही होती है हमारे साथ, लाइक पढ़ाई, स्पोर्ट्स, अदर कोई पैशन, म्यूजिक लाइक। सो गाइज, उन सबको अगर आपको आगे परस्यू करना है पढ़ाई के साथ, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा इन सबको। आपको जानना पड़ेगा कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं। तो गाइज, अगर जैसे आपको लगता है आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, पर तब भी आप कर रहे हैं सोशल मीडिया यूज, तो आपको हटाना पड़ेगा सोशल मीडिया कुछ दिनों के लिए। तो फिर वो आपको करेगा कि आपने सोशल मीडिया अपना हटा दिया, तो आपकी आदत कम होती जाएगी। तो फिर एक टाइम आएगा कि आप सोशल मीडिया तभी यूज करेंगे जब आपको जरूरत हो। ऐसे ही बाकी चीजों को भी बैलेंस करिए, और गाइज इन सबको एक शेड्यूल में डालिए जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो और आप पूरे दिन में सब कुछ कर पाए जो आपको करना है। और गाइज, अगली टिप है खुद पे भरोसा रखना। मैंने बहुत टीनेजर्स के साथ देखा है कि वो खुद पे भरोसा नहीं रखते। अगर उनसे कह दिया जाए कि तुम काम खराब कर रहे हो, आराम से मान लेंगे, और उनसे कह दिया जाए कि तुमने ये बहुत अच्छा किया, बोलेंगे नहीं जी
हम कहाँ अच्छे हैं। तो गाइज आपको ऐसा नहीं करना है, अपने फेलियर्स को माने पर उनसे ओवरकम करें, आगे बढ़े और खुद पे भरोसा रखते हुए अगली बार ट्राई करें, एक और बार करें। कितनी बार फेल होंगे गाइस, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अगर फेल होता हूँ तो कितनी बार होऊंगा, एक बार, दो बार, तीन बार, पर एक टाइम ऐसा आएगा ऐसी वीडियो डालूंगा कि 1 मिलियन आएंगे। तो गाइस वो भरोसा होना चाहिए खुद के अंदर गाइस, यही भरोसे से मैं वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको कोई पैशन परस्यू करना है तो ऐसे ही भरोसे से आप करें कि आपका एक ना एक दिन, और अगर आपको एक ना एक दिन को भी वो देना है स्पेसिफिकेशन, तो आप डेडलाइन सेट करके लिखें, तो गाइस वो आपको एक अंदर से सबकॉन्शियस अपील देगा उसे करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और गाइस अगर आपको और हिंदी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम लोग ऐसी वीडियो डालते ही रहेंगे। तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए और भूले ना सब्सक्राइब करिए।